जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से कितने ही कलेक्टर व एसपी कोरबा जिले में आए, परंतु किसी ने बालको द्वारा बनाए गए नए थाने के बारे में नहीं सोचा। आश्चर्य की बात है कि आखिर थाना का नया भवन बन गया है, फिर भी क्या कारण है कि बालको थाना नए भवन में स्थानांतरित नहीं हो रहा है। बालको औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ थाना पुराने भवन में संचालित होना समझ के परे है। बालको थाना नए भवन में क्यों नहीं स्थानांतरित हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमारे संवाददाता दयाशंकर तिवारी ने संबंधित अधिकारी व निर्वाचित जनप्रतिनिधि से बात कर जुटाई। देखें ये रिपोर्ट। भैया, ये कोरबा बालको में जो अपना बालको थाना के सामने जो बालको थाना का नया भवन बना है, तो काफी दिन से वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्या कारण है कुछ बता पाएंगे आप? वो क्या है, बड़े झाड़ के जंगल है जी, और उसे बगैर दस्तावेज के छानबीन के बना लिया गया जी जी, और उसमें अभी वो अनुमति मिल नहीं पा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसने जाने की। दोषी कौन है भैया, बिना अनुमति के भवन बन गया? बिना अनुमति के उसमें नगर निगम भी दोषी है, बालको प्रबंधन भी दोषी है। अच्छा, दोनों दोषी है? हाइट लेना था सर कि जो बालको थाना जो का जो नया भवन बना है, तो उसमें बालको थाना नया भवन में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा है, क्या क्या अड़चन क्या है? जी उसको तो देखना पड़ गया नहीं कुछ, मतलब कानूनी अड़चन क्या है, कानूनी अड़चन क्या है कि शिफ्ट नहीं हो पा रही कानूनी अड़चन? हाँ, अभी तो उसको देखे बिना नहीं बता पाएंगे उसको केस को। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको, चलिए ठीक है, ओके। तिवारी डीएनएक्सटी सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि अपन एक खबर बना रहे थे कि बालको थाना में कल गया था सर, तो जो बालको थाना जो पुराना भवन में शिफ्ट अभी चल रहा है और नया भवन बन के बहुत दिन से तैयार है, तो उसमें शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है कुछ जानकारी? अच्छा, एक तो मेरे को जो जानकारी है, बालको मेरे अंडर में है नहीं जी जी, पर उसमें क्या है कि कुछ चीजें मरम्मत की बची हुई थी जी जी, बस अब शिफ्ट होने वाला है फाइनल स्टेज पे। साहब की उधर बालको सीओ से बात हो गई है जी जी, फाइनल शिफ्टिंग है, कोवाइड वाइड कुछ ना कुछ चलते रह रहा है, नहीं तो अदरवाइज लगभग तैयार है। तो लगभग सर मैं जितने भी स्टाफ है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो लगभग कितना कितना दिन, एक महीना दो महीना के बाद शिफ्ट हो जाएगा? ना, एक महीना नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, चीजें ठीक रही ना तो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बार डीएसपी हेडक्वार्टर रामगोपाल करियारे है ना जी जी, वो लाइजनिंग कर रहे हैं, उनसे बात। बहुत दिन से बालको थाना का जो नया भवन है वो बहुत दिन से बन के तैयार है, और पुराना पुराना भवन में थाना संचालित है, तो क्या कारण है कि नया भवन में थाना शिफ्ट नहीं हो पा रहा? अब उसमें कारण क्या है, थाने जब बनी है ना, हमारा जो जितना जमीन था उतना जमीन बालको से लेना है जी, तो जो जो वो दिया गया था बालको को कि आप इस भवन मतलब इस जमीन के बदले में आप इतना मकान बना के देंगे, उसको बेरिकेटिंग करके देंगे, उसको बाउंड्री वाल बना के देंगे, बिजली पानी सारी सुविधाएं बना के देंगे, तब उसमें ट्रांसफर होगा जी जी। अब हमारा जमीन तो जान ही रहे ना, अच्छी वो जमीन है उस करके, तो कारण वही है कि वो अभी बालको नहीं दे पाया है उतना सारा चीज। तो लगभग कितना समय लगेगा सर बालको, जितना जल्दी उसको बना के दे दे उतना जल्दी शिफ्ट कर लेंगे, हम लोग तो तैयार हैं शिफ्ट करने के लिए, लेकिन जो जमीन का सीमांकन है जी, जितना जमीन हमको मिलना है जी जी, इस भवन के एवज में मतलब हमारे जमीन के एवज में वो मिल जाए तो अपन कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, ओके सर, ठीक है, ओके।